दो दिवसीय सांसदीय दौरे पर पहुंचे पीलीभीत सांसद वरुण गांधी सुनी जनता की समस्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। बता दें, पीलीभीत में सांसद वरुण गांधी बोले, किसान खुद अपनी धान में आग लगा रहा है। ये पूरे देश और दुनिया के शर्म की बात है कि मंडी कर्मचारियों से बोले वरुण गांधी, किसानों की फसल खरीद को करे सुनिश्चित मंडी। कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए सांसद वरुण गांधी बोले, अब मेरा एक प्रतिनिधि यहाँ परमानेंट रहेगा। भाजपा सांसद वरुण गांधी इन दिनों किसानों के मुद्दों को लेकर लगातार मुखर हैं। किसानों के मुद्दों पर वो सरकार को लगातार घेर रहे हैं। इस बीच वरुण गांधी ने एक बार फिर MSCP की वैधानिक गारंटी की बात करते हुए अपना एक वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो में दिख रहा है कि वरुण गांधी कहीं मंडी में खड़े हैं और वहां के कर्मचारियों को चेतावनी दे रहे हैं। वरुण गांधी ने ट्वीट कर कहा है, जब तक MSP की वैधानिक गारंटी नहीं होगी, ऐसे ही मंडियों में किसानों का शोषण होता रहेगा। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो में वरुण गांधी मंडी के कर्मचारियों से कहते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ दिन पहले एक किसान ने अपनी धान की फसल में खुद आग लगा दी थी। पीलीभीत में भी ऐसा ही हुआ और 17 जिलों में ऐसा हो चुका है कि किसान खुद अपनी धान में आग लगा रहा है। ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, राष्ट्र और दुनिया में शर्म का विषय बन चुका है। आप इस समय अच्छी तरह जानते हैं कि किसान कितना कष्ट में है। महंगाई का सामना एक इंसान के रूप में आप भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स की कमी है राष्ट्र में। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्राकृतिक आपदा का शिकार हुआ है किसान। अभी उत्तराखंड से पानी छोड़ा गया, यहाँ बाढ़ आई, बारिश आई। पीलीभीत से इंद्रजीत सिंह राजपूत, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। पारदर्शिता, या ना पारदर्शिता है ना जवाबदेही है। अब यहाँ पे किसान को क्या किया जा रहा है? ये सारे किसान जो यहाँ पे आए हैं, ये एक को बोल दीजिए अगर मैं गलत कह रहा हूँ, ये सबको इनकी चीजों को बुला के, इनको तंग करके, इनके चीजों को रिजेक्ट किया जाता है, मना किया जाता है, और ये और झूठे कारणों से मना किया जाता है। इनको बोला जाता है कि इसमें काला है, इसमें पीला है, इसमें गीला है, इसमें टूटा है, और उसके बाद ये बेचारे बाहर जाते हैं क्योंकि इनको नई बुआई करनी पड़ती है, उनके नई फसल डालनी पड़ती है, तो वो खुद बहुत जल्दीबाजी में होते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ? उसके बाद ये फ्रस्ट्रेट होकर क्या करते हैं, ये जाके जो बिचौलिया यहाँ पे चोर होते हैं।